आज मैं एक ऐसा होम रेमेडी से फेशियल बता रही हूँ जो डिटेनिंग का भी काम करेगा, ब्लीचिंग का भी काम करेगा और हमारे स्क्रबिंग करेगा, स्किन को ग्लो करेगा, स्किन को क्लीन करेगा। ये हमारा रॉ मिल्क है, यानी कि कच्चा, और इसमें हम आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये हल्दी जो है वाइट टर्मिक है। मैम दही में? नो, रॉ मिल्क, कच्चा मिल्क, चलो ठीक है। इसको अच्छे से मिला लिया, ठीक है। अब अच्छे से मिलने के बाद में ठंडी लग रहा है। कॉटन को डिप करेंगे और हम सबसे पहले गर्दन में करेंगे। हमें कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आना पड़ेगा। इस पेस्ट को, रॉ मिल्क और टर्मिक को हमने 2 मिनट्स के लिए होल्ड किया हुआ था। अब मैं इसको वाइप कर रही हूँ। सबसे पहले एक कटोरी में हम चीनी लेंगे, ठीक है। डिटेनिंग में क्या है? क्लीजिंग, स्क्रबिंग और पैक, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये टमाटर का जूस ले रही हूँ और चीनी ले रही हूँ, थोड़ा सा मैं बेसन ले रही हूँ, ठीक है ना। और उसमें हल्का सा इस शहद लेकर के हम, हाँ, चीनी, बेसन, शहद, टमाटर का जूस, टमाटर का जूस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। और नींबू का रस, बीज निकाल देंगे थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद चुटकी भर वाइट टर्मरिक, जंगली, और थोड़ा सा एक आलू को कद्दूकस कर लिया गया है। थोड़ा सा छन्नी से हम आलू का रस ले लेंगे, ठीक है। आलू का रस लेने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा चुटकी भर खाने वाला सोडा, ठीक है, चुटकी भर, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि नींबू भी डाला हुआ है। हम इसको मिला देंगे। अब इसमें कर्ड मिलाएंगे, ठीक है। मैम कौन से स्किन पे कर्ड मिलाएंगे? दी ऑयली स्किन है, ठीक है, और नहीं तो मलाई, ठीक है। इसको आराम से मिक्स कर लिया। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, कॉफी पाउडर 1 टीस्पून। मिलाने के बाद अच्छे से फिर हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे। लगा सकते हैं ब्रश से भी, फेस को हाथ और ब्रश दोनों से लगा सकते हैं। आपके पास ब्रश नहीं तो आप हाथ से लगाएं। हल्के हाथ से 5 से 7 मिनट मसाज करेंगे और हमें मटेरियल को हाथ में लेना होगा, पानी यूज़ नहीं करेंगे और केवल रबिंग करेंगे, हमें प्रेशर नहीं देना है। शुरुआत हम गले से करेंगे, फिर ठुड्डी पे आएंगे हम, ठीक है। हमें केवल रबिंग करना है क्योंकि हमारा स्क्रबिंग भी इसके साथ हो रहा है, ठीक है ना। इसमें चीनी पड़ा है, बेसन पड़ा है, ठीक है ना, और कॉफ़ी पड़ा है, नींबू पड़ा है और टमाटर का रस और हनी, हनी है और पोटैटो, ठीक है, इसका रस है। और स्क्रबिंग में कॉफ़ी पाउडर है तो स्क्रबिंग में हमारा जो चीनी पड़ा हुआ है ना वो, और बेसन स्क्रबिंग का काम करेगा, तो हमें अलग से स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है, इसी में स्क्रबिंग हो रहा है हमारा। हल्के हाथों से करना है हमको,
5 मिनट तक मसाज करने के बाद हम इसको जो बचा हुआ हमारा पैक है थोड़ा उसको लगा देंगे, और लगा के 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम 5 मिनट तो मसाज कर ही रहे ना, यदि मसाज नहीं करेंगे तो हम 15 मिनट छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन मसाज से स्क्रबिंग अच्छी हो जाएगी, डेड स्किन भी निकल जाएंगे। 15 से 18 मिनट पैक को रखने के बाद हम गीले वाइप से या स्पंज से किसी से भी हम वाइप कर देंगे। चूँकि ठंड है तो थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी लिया है, गर्मी है तो आप नॉर्मल या थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पानी लीजिए। ये पैक की विशेषता है कि आप इसे आँख में, ओठ पे, आप लिप पे भी डाल सकते हो, आईज पे, पलकों पे भी आप कर सकते हो इसमें, और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। और हफ्ते में एक बार यदि आप करें वीकली, तो एक महीने के बाद वैसे तो एक ही बार में आपको असर समझ में आ जाएगा, और अभी समझ आ गया होगा, लेकिन यदि आप वीकली करते हैं तो आपको बहुत ही एक महीने में ही आपको दिख जाएगा। और आपको उत्साहित करने के लिए एक दिन में भी काफ़ी, एक बार में ही समझ आएगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। टॉवल से अच्छे से वाइप करेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर कोई मॉइस्चराइज़र कुछ भी लेके उनके हाथ से मसाज करेंगे, ठीक है। काफ़ी साफ हो गया, ठीक है। ये आप देखिए, एक बार करने पर ये शाइनिंग है, तो यदि ये वीकली करेंगी, वन मंथ में यदि आप 4 बार करते हैं तो बहुत ही कलर भी निखरेगा, स्किन टाइट होगी, ग्लो करेगा, और तो टैनिंग भी दूर करेगा।